अस्सलामुअलैकुम, मैं सैयदा असमा समीरा ज़रूनी एडवोकेट से। अगर आप कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं या कोई घर अपने लिए या कमर्शियल या फिर कोई बिज़नेस पर्पज़ के लिए, तो सबसे पहले आपको अपना SPA चेक करना है, सेल परचेस एग्रीमेंट जो आपका डेवलपर के साथ होगा, उसके सारे क्लॉजेज़ और पॉइंट्स रिव्यू कीजिए। और अगर आपको कोई बीच में ब्रोकर या कोई भी ऐसी बात कहे जो आपके पास डॉक्यूमेंटेड नहीं है या रिटन नहीं है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी बाद में। आजकल हमारे पास केसेस आते हैं, उसमें ये होता है कि ब्रोकर कोई और बात कर देते हैं और उसके बाद हम उस बात को क्लेम नहीं कर सकते बाद में, क्योंकि जो SPA साइन किया होता है, सेल परचेस एग्रीमेंट, उसमें ये वाला कोई पॉइंट नहीं होता। तो सारे जो पॉइंट्स है एज़ पर SPA टाइटल डीड, जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी स्क्वायर फीट मीटर्स है, एज़ पर SPA हम चलेंगे। और अगर कोई क्लेम भी करना है आपको बाद में, तो अगर SPA में मेंशन नहीं है और टाइटल डीड आपके पास कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है फ्रॉम द डेवलपर, तो आप वो बाद में क्लेम नहीं कर सकते। तो आसानी से ये जो भी रियल स्टेट ब्रोकर्स होते हैं उनकी बात पे ट्रस्ट नहीं करना है आपने। अगर वो आपको कहें कि इतना स्क्वायर फीट होगा या यूँ होगा, कोई भी ऐसी एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ ये, कि कोई भी ऐसी बात करें जो मेंशन नहीं हो, डॉक्यूमेंटेड नहीं हो, तो वो बात फिर बात ही है और वो बाद में जाके आप कोर्ट्स में क्लेम नहीं कर सकेंगे। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ दिस और अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो संभाल के रखें, ताकि कोई भी डिस्प्यूट हो उस मौके पे आप जाके दुबई कोर्ट्स या जो भी है DIFC है, तो जो भी रजिस्टर्ड कोर्ट्स हैं उनके साथ, उनके पास जाके आप क्लेम कर सकें। और अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं और उसके बारे में कोई ब्रोकर बोलता है कि आपको आसानी से रिफ़ंड मिल जाएगा, तो जब तक आप अपना SPA चेक कर लें, बुकिंग फॉर्म चेक कर लें, उसमें कोई रिफ़ंड क्लॉज स्पेशली मेंशन नहीं है, तो आप नहीं कर सकेंगे। इसलिए आप प्रॉपर्टी बाय करने से पहले ये सारी चीज़ें क्लियर कर लें अपने ब्रोकर से, अपने डेवलपर से, कि रिफ़ंड की सूरत में क्या क्लॉज होगा, क्या टर्म होगा, उस हिसाब से आपको रिफ़ंड मिलेगा, अगर रिफ़ंड की बात होती है तो। ये भी एक इशू है जो आजकल हम नोटिस कर रहे हैं कि लोग रिफ़ंड चाह रहे हैं आफ्टर बाइंग अ प्रॉपर्टी, लेकिन उनके पास कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड नहीं होता और उनको सिर्फ बीच में ब्रोकर ने बोला होता है कि इस तरह होगा तो आपको रिफ़ंड मिल जाएगा, जो कि सिर्फ बात ही है। इसलिए आम तौर पर ये बहुत फ़ायदेमंद होता है कि अगर आप एक लॉयर के पास जाके उससे पहले सारे डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करवाएं प्रॉपर्टी बाय करने से पहले, ताकि आप अपने सेफ़ साइड पे हों। और कम्प्लीटली सेफ़ तो हो नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट कोशिश कीजिए। तो अगर आपको हमसे या लॉयर से असिस्टेंस चाहिए इसमें, क्या हम आपका SPA रिव्यू करें या बुकिंग फॉर्म रिव्यू करके आपको गाइडलाइंस बताएं कि क्या देखना चाहिए, उसके लिए आप हमसे राब्ता कर सकते हैं 0585323296 पे, और ईमेल कर सकते हैं info@zarooni-lawyers.com पे। थैंक यू सो मच।